يا قران تارا دنيا من من أبنا سهارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

वरि प्यारे बच्चों और किड्स बदरी पदरीचारी के नाजीन एक बार फिर आपको खुश आमदी कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान आ, बच्चे और कुरान हमारे प्रोग्राम का नाम है प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चारे के नाजीन अपने इस प्रोग्राम बच्चे और कुरान से हम बहुत सारी कुरानी मालूम सीखने की कोशिश करते हैं हमारे साथ राशिद भाई भी होते हैं राशिद भाई हमें एक बहुत प्यारे मौजू के हवाले से बहुत सारी बातें बताते हैं और स्टोरी भी सुनाते हैं हम अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में तलावत कुरान पाक को भी शामिल करते हैं हमारे कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाजीन हमारा आखिरी सेगमेंट कुरान से तीन अल्फाज ये भी बहुत प्यारा सेगमेंट होता है क्योंकि इसमें एक बच्चा राशिद भाई से तीन कुरानी अल्फाज पूछता है और राशिद भाई उन तीन कुरानी अफाज के माननी बताते हैं मफहम बताते हैं और उन तीन कुरानी अल्फाज को हमें समझाते हैं तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चार के नाजी नियत कर लीजिए कि इन शाला आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में रहेंगे ताकि आपको बहुत सारी मालूम सीखने को मिले प्यारे बच्चों आइए मैं आपको पाकिजीलत सुनाता हूँ प्यार आकाशल अली ने फरमाया तुम में से मत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिससे दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे माशा प्यारे बच्चों और किड्स पदरी के नाजीन अब हम अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में तिलावत दे कुरान पाक को शामिल करेंगे हमारे साथ यासिर भाई मौजूद है इनशा आज यासिर भाई से हम तिलावत सुनेंगे असल वरम्ला वबरक वालेकूम असल वरमि वबरकू कैसे हैं आप यासर भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रबालमीन कुल हाल आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हाल जी यासर भाई कौन सी सूरत की आज आप तिलावत करेंगे आज मैं इनशा सरतुल मरियम की चंद आयतों की तिलावत करने की शादत हासिल करूँगा माशाल्लाह प्यारे बच्चों सूरह मरियम कुरान पाक की सूरत है इसकी चंद आयात की तिलावत की जाएगी तो नीयत कर लीजिए कि इंशाल्लाह हम तिलावत को गौर से सुनेंगे ताकि हमें इसका सवाब मिले जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فاشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموت وكانت امرأتي عاظرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم अल्लाह माशा यासिभा भैया आपने तिलावत की अल्लाह पाक आपको बरकत अदा फर पाको कुरान पाक पढ़ने की तोफ़ी अदा फरमाए और कुरान पाक पढ़ने की बरकत उससे हिस्सा अदा फरमाए माशा बहर बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाजीन हमने अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में तिलावत कुरान पाक को शामिल किया बहर बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाजीन अब हमारा एक मौजू होगा और उस मौजू से रिलेटेड हम राशिद भाई से एक स्टोरी भी सुनेंगे और आज का मौजू आज का मौजू ब बड़ा ही प्यारा मौजू होने वाला है क्योंकि आज का मौजू ये अल्लाह पाक के एक नबी अली सलाम के हवाले से और आज का हमारा मौजू है हज़रत यह याम हज़रत सलाम आज का हमारा है अल्लाह पाक के नबी हैं तो इन श्ला हम सुनेंगे राशिद भाई से कि इनका नाम किससे रखा और इसके अलावा इनके वालद का क्या नाम है और भी इनके अलावा बहुत सारी मालूम आज हम राशिद भाई से लेंगे तो पहले बच्चों और किट्स पद्री चाहे के नाजीन आइए पढ़ते हैं राशि भाई की तरफ़ और देखते हैं कि राशिद भाई आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं

बेटा याहिया सलाम ये हज़रत सलाम के बेटे हैं यानी इनके वालिद का नाम वो है सलाम स्टोरी बेटा कुछ इस तरह से है कि किजरत जकरिया सलाम जो कि अल्लाह पाक के नबी हैं और इनकी उम्र काफ़ी बड़ी हो चुकी थी कई मरतबा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी मांगी कि या मुझे औलाद अता फरमा लेकिन अल्लाह की शान के आपको औलाद अता नहीं की गई और बड़ी दिल में तमन्ना भी थी कि मेरा बेटा हो और अल्लाह पाक का खूशी फ़जलो करम हो लेकिन खैर वक्त गुज़रता रहा वक्त गुज़रता रहा और आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई आप बूढ़े हो चुके थे तो हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह तहाँ यारे बच्चों ये हज़रतम की वालदा हैं और हज़रत जकर की ये रिश्तेदार हैं बहुत क्लोज़ इनका रिश्ता था हज़रत जकर जो हैं ये बैतुलमुक़द्दस यानी जो मस्जिद अकसा थी उसका इंतज़ाम वगैरह ये देखा करते थे और हज़रत बीबी मरियम ताला अन्हा के लिए एक ख़ास एक कमरा बना दिया गया था जहाँ आप पाक की इबादत किया करती नमाज़ पढ़ा करती थी हज़रत जक्री सलाम जब वहाँ पर जाते तो ये देख कर हैरान रह जाते कि हज़रत मियम रजल्ला तह जहाँ इबात करती हैं नमाज़ पढ़ती हैं वहाँ पर बे के पल इनके पास मौजूद हुआ करते थे यानी सर्दियों के पल गर्मियों में नज़र इनको आते और गर्मियों के फल सर्दियों में नज़र आते ये देखकर बड़े हैरान होते और एक मरतबा इन्होंने पूछा कि ए मरियम ये तुम्हारे पास फल कहाँ से आते हैं तो बीबी मरीम ने अर्ज की कि अल्लाह पाक अता फ़रमाता है अल्लाह जिसे चाहे बिला हिसाब व किताब रिस्क अता फ़रमाए तो हजरत जक्रिया सलाम के प्यारे बच्चों दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि जो रब तबारक व ताल मरियम को बगैर मौसम के फल अता फरमा रहा है वो इस बात पर भी कादिर है कि मुझे इस उम्र में भी औलाद अता फ़रमा दे मेरे बच्चों हजरत जकरिया ने उस जगह के जहाँ बीबी मरियम रदी अल्लाह तहा अल्लाह पाक की इबादत करती थी और इनको बग़ैर मौसम के फल मिला करते थे उस जगह पर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की रबी हबलीबा इन दुआ मेरे रब मुझे अपनी बारगाह से पाकिज़ा औलाद अता फरमा ही दुआ सुनने वाला है प्यारे बच्चों बच्चोंजरत जकरिया की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई और आपको एक बेटे की खुशबरी अता फरमाई जिस बेटे का नाम याहिया है और इनके साथ ही हजरत यही सलाम की कुछ खूबियाँ भी बयान फरमाईं राशि भाई जैसा कि अभी आप आपने वाकई में बताया कि हज़रत जकरिया ने दुआ मांगी थी फिर उनकी दुआ कबूल हुई और हज़रत सलाम की सूरत में उन्हें एक बेटे की खुशखबरी मिली तो आप ये बताइए कि हज़रत सलाम की जो अल्लाह पाक ने खूबियाँ बयान फरमाई थी वो खूबियाँ क्या थी बेटा हज़रत सलाम के जब ख़ुशखबरीज़रत सलाम को दी गई तो उसका इस तरह मामला हुआ कि हज़रत सलाम जो हैं वो अपनी नमाज की जगह नमाज़ पढ़ रहे थे तो फ़रिश्तों ने इन्हें पुकार कर कहा बेशक अल्लाह आपको यहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह की तरफ के एक कलिमा की तस्दीक करेगा और वो सरदार होगा और हमेशा औरतों से बचने वाला और सालीन में से एक नबी होगा प्यारे बच्चों इस आयत में अल्लाह पाक ने हज़रत यम की चार खूबियों को बयान फरमाया पहली खूबी तो ये बयान फरमाई कि मुसद्दिक वो होंगे यानी तस्दीक करने वाले होंगे और दूसरी ख़ूबी बयान ये फरमाई कि वो सैद होंगे यानी सरदार होंगे सयद प्यारे बच्चों उसे कहते हैं कि जिसकी लोग खिदमत करें इतात करें जो लोगों का सरदार होता है अल्लाह का हर नबी ही वैसे तो सरदार होता है इसी तरह हज़रत यही सलाम भी ये सरदार थे और तीसरी खूबी अल्लाह पाक ने सलाम की बयान फरमाई हसूरन यानी औरतों से बचने वाले होंगे और चौथी खूबी ये बयान फरमाई के सालीन में से नबी होंगे वैसे तो सारे ही अम्बिया कराम जो हैं वो सालकिन होते हैं अल्लाह के प्यारे होते हैं मखलूक में से सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक के प्यारे होते हैं लेकिन हज़रत यम की जो यहाँ पर अल्लाह पाक ने एक खूबी बयान फरमाई कि ये सालीन में से एक नबी होंगे माशा पैर बच्चों और किड्स नाजीन हज़रत यम आज का हमारा टॉपिक है और अभी हमने वाकया भी सुना राशिद भाई से हज़रत जकरिया सलाम और हज़रत सलाम के हवाले से तो पहले बच्चों हज़रत यहिया सलाम के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आप राशिद भाई से कुछ इसके अलावा पूछना चाहते हैं। हज़रत यहिया सलाम के बारे में तो आप पूछ सकते हैं निहाल भाई मैं राशिद भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ जी बिल्कुल पूछिए क्या पूछना है राशिद भाई हजरत सलाम का नाम किसने रखा था और इनसे पहले भी किसी ने या नाम रखा था बेटा हजरत सलाम का जो मुबारक नाम है या ये अल्लाह पाक ने रखा था और आपसे पहले किसी का नाम भी यहया नहीं रखा गया अल्लाह पाक ने इन दोनों बातों का जिक्र क़ुरान पाक की सूर मरियम में बयान फ़रमाया है अल्लाह पाक ने इर्शात फरमाया या ज़करिया इन मिन कबी समिया ऐ जकरिया हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यही है इससे पहले हमने इस नाम का कोई दूसरा नहीं बनाया अर्शद भाई हजरत अलैहि सलाम पर पहली बार कितनी उम्र में नाजिल हुई बेटा हजरत अलैहि सलाम की उम्र मुबारक अभी तीन साल की थी तीन साल की उम्र थी आपकी जब अल्लाह पाक ने आपको कामिल अकल अता फरमाई और आप पर पहली वही नाजिल फरमाई और हजरत को अल्लाह पाक ने बचपन में ही यह बात इर्शाद फरमा दी थी कि ए यया किताब को मजबूती के साथ थाम लो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस बात को यूं बयान फरमाया या किताब को मजबूती के साथ थामे रखो और हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता फरमा दी थी राशिद भाई ये हिकमत क्या होती है कहते हैं दानाई अकल विजडम दानिश बहुत ज्यादा समझ ठीक है तो अल्लाह पाक का हर नबी ही वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार होता है और हज़रत यिया सलाम को तो बचपन में ही अल्लाह पाक ने ऐसी समझ अता फ़रमाई ऐसी जहानत फरमाई थी कि बचपन में तीन साल की उम्र में अल्लाह पाक ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई राशि ये अभी आपने बताया कि हज़रत यम पर अल्लाह पाक की वही तीन साल की उम्र में ही नाजिल हो गई थी और आप, आपको मुकम्मल अकल अता फ़रमा दी गई थी तीन साल की उम्र में तो राशिद भाई आप ये बताएं कि क्या हज़रत यही ये अल्लाह पाक के नबी हैं ये भी बच्चों के साथ बचपन में खेला करते थे जैसे आमतौर तो पर बच्चे खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ आप भी खेलते होंगे बचपन में तो क्या सलाम भी अपने दोस्तों के साथरत यही सलाम बेटा बचपन में ये खेलते नहीं थे बल्कि बचपन से ही अल्लाह पाक की आप इबादत किया करते थे और अदीस में मिलता है कि या बच्चे खेलने के लिए बुलाते भी थे तो आप खेलने के लिए नहीं जाते थे बल्कि आप उनसे ये फरमाते थे कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है खेलने के लिए पैदा नहीं किया हज़रत बिन जबल रदी अल्लाह तहुँ से रिवायत है हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया अल्लाह पाक मेरे भाई याहिया पर रहम फरमाए जब उन्हें बचपन में बच्चों ने खेलने के लिए बुलाया तो आपने उन बच्चों से कहा कि हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए बल्कि हम अल्लाह पाक की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं तो प्यारे बच्चों इससे हमें यह भी एक सीखने को मिला कि हमें भी अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए हर वक्त खेल कूद में लगे रहना हर वक्त ही कभी वीडियो गेम खेलना कभी क्रिकेट खेलना या कभी और दूसरे कामों में मशगूल रहना नमाज का वक्त हो तो नमाज ना पढ़ना और ना कुरान की तिलावत करना तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं होती हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है कि ताकि हम अल्लाह पाक की इबादत करें और जो अच्छे खेल हैं जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे वो खेला भी जा सकता है ठीक है ना ताकि इनर्जी आए एक्सरसाइज थोड़ी सी हो जाए और चुस्ती आ जाए और सुस्ती जो है वो दूर हो जाए तो खेलना मना नहीं है लेकिन ऐसा ना खेलें कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचे या दूसरे परेशान हो जाएं जैसे बाद बच्चे घर में खेल रहे होते हैं चीज़ें तोड़ देते हैं इतना शोर करते हैं घर वाले भी परेशान हो जाते हैं या कचरा बहुत ज़्यादा फैला देते हैं रेपर फेंक देते हैं घर के अंदर तो ये ऐसे काम ना किए जाए जी माशा पैर बच्चों और फजरी सैल के नाज़ीन हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास में भी कचरा कर देते हैं घर में तो कचरा करते ही हैं लेकिन जहाँ पे पढ़ने जाते हैं स्कूल में मदरसे में वहाँ पर भी कचरा कर रहे होता है तो हमने कचरा भी नहीं फैलाना और इसके अलावा अपने हाथ पाओ भी गंदे नहीं करना है बस ऐसे खेल होते हैं जिसमें हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं तो वो भी हमने नहीं खेलना और इसके अलावा खेलना है तो ऐसा खेलना है जिससे घर वाले भी परेशान ना हो इतना शोर भी ना हो कि पड़ोसी परेशान हो जाए कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर और खुद आपको भी तकलीफ ना पहुंचे ऐसा ना खेलें कि जिससे आपको चोट लगे या आपको तकलीफ पहुंचे जी बिल्कुल तो दोपहर बच्चों और किड्स पदरी सैल के नाजीन आइए अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कुरान से तीन अल्फाज और आज हमारे साथ कितमीर रजा भाई मौजूद हैं तो आइए देखते हैं कि कितमीर भाई कौन से वो तीन अल्फाज कुरानी अल्फाज लाए हैं जो राशिद भाई से पूछेंगे राशिद भाई आज जो मैं आपसे तीन अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ उनमें से पहला लफ्ज है इंस आप ये बताइए कि इंस का क्या मतलब है इंस का बेटा मतलब होता है इंसान क्या मतलब होता है इंसान इंसान आदमी ठीक है बंदा बशर जिसको बोलते हैं हम जैसे इंसान भी अरबी में बोलते हैं इंसान को और इंस भी कहते हैं ठीक है अल्लाह पाक ने हमें जो पैदा किया है अभी हम बात भी कर रहे थे किस लिए पैदा किया है अपनी इबादत करने, करने के लिए करने के लिए ठीक है ना तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिन्न वल इल्ला फरमायादून और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए के मेरी इबादत करें सुभान तो इंस का मतलब समझ आया आपको जी बिल्कुल क्या मतलब है इंस का इंसान इंसान और आदमी आदमी ठीक है रशीद भाई मेरा दूसरा लफ्ज है अबासन आप ये बताएं कि अबासन का क्या मतलब है अबासन का मतलब है क्या मतलब है ये तो रशीद भाई आप बताएंगे ना। अच्छा मैं बताऊंगा चले अबासन का बेटा मतलब होता है बेकार फज़ूल ला यानी यानी ऐसा काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो ना दुनिया का फ़ायदा हो ना आखिरत का फ़ायदा हो बेकार जो काम होता है ना उसे क्या बोलते हैं अबासन अबासन ठीक है और क़ुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें इस बात की एक दावत फ़िक्र दी है कि ए बंदो ए, ए लोगो मैंने तुम्हें जो पैदा किया है तो वह बेकार पैदा नहीं किया किस लिए पैदा किया है इबादत करने के इबादत लिए इबादत करने के लिए अल्लाह पाक की इताअत और फरमा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है अल्लाह पाक कुरान पाक में प्यारे बच्चों इरशाद फरमाता है अफा हसब तुम इत तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे ऐसा नहीं, नहीं है, है। बल्कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होंगे प्यारे बच्चों हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम दुनिया में रहेंगे और एक वक्त आएगा जब मौत आ जाएगी और मौत के बाद हम कबर में चले जाएंगे और फिर जब क़ियामत का वक्त होगा तो क़ियामत में दोबारा कबरों से उठाया जाएगा अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा दुनिया में जिसने अच्छे काम किए होंगे उनको इनाम मिलेगा सवाब मिलेगा जन्नत में दाखिला मिलेगा और जिन लोगों ने गुनाह किए होंगे अल्लाह पाक को नाराज किया होगा तो क़ियामत वाले दिन उनको इसकी सजा मिलेगी अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए अच्छा राशिद भाई मेरा तीसरा और आखिरी लफ्ज है मोर आप ये बताएं मोरिदून का क्या मतलब है मददून का मतलब है एराज करने वाले मुंह फेरने वाले तवज्जो ना करने वाले ठीक है तो अल्लाह पाक ने प्यारे बच्चों कुरान पाक में उन लोगों के बारे में बयान फरमाया कि जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इबादत नहीं करते गुनाहों में मसरूफ़ हैं और अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले जो काम नहीं करते तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगहों पर बंदों को समझाया है कि मेरे बंदो इबादत करो और अच्छे काम करो गुनाह ना करो और गफलत में ज़िंदगी ना गुज़ारो अल्लाह पाक ने इशात फरमाया ए को तारा बालन ना से हिसाब हम वह फ़ीलून लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं प्यारे बच्चों इस आयत करीमा से हमें ये सीखने को मिला कि हमें गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए हर वक्त मौत को याद भी रखना चाहिए और अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए पता नहीं कौन सा वक्त ऐसा आए कि हमें तोबा की तोफ़ीक ना मिले और हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए ठीक है ना तो बंदे को चाहिए कि गुनाहों में जिंदगी बसर ना करें अल्लाह पाक की इबादत करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे किसी जानवर को तकलीफ़ पहुँचे या अल्लाह पाक की नाफरमानी उस काम से होती हो ऐसा कोई भी काम ना करें अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत अलैहि सलाम के बारे में आज हमने कुछ बातें सुनी है हज़रत अलैहि सलाम की मुबारक सीरत में प्यारे बच्चों हमने ये भी सुना कि अलैहि सलाम जो हैं वो अल्लाह पाक की इबादत भी करते थे और नेक बहुत थे अल्लाह पाक की इतात में जिंदगी गुजारते थे तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना वक्त ऐसे कामों में गुजारें जिससे हमें अल्लाह पाक की रजा हासिल हो जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल हो सुबह और किट्सैन के नाजीन इसके लिए हमें किड्स पदरी चैनल देखना होगा मदरी चैनल देखना होगा और इसके अलावा बयान में शिरकत करनी होगी और जो सुनत तो भरा बयान होता है हफ्ता वार सन्त तो वरा इजम उस उसमें भी हमें शिरकत करनी होगी अपने अबू के साथ और इसके अलावा मस्जिद में जो तो दर्श वगैरह होता है उसमें भी शामिल होना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हासिल करें और उस पर अमल भी कर सकें पैर बच्चों और कृष्ण बद्र सि नाजीन हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान का वक्त ख़त्म हुआ आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में बहुत सारी मालूम के साथ बच्चों हमारा यूट्यूब पर पर चैनल 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 है किड्स के नाम से आप, आप पर जाके हमारे तमाम देख सकते हैं और जितने भी मदरी चैनल पर आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए हमें दुआ में याद रखिए आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में